नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाने वाले दुकान मालिक और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सब्जी विक्रेता बनने वाले सपा कार्यकर्ता अजय यादव उर्फ अजय फौजी की पुलिस को तलाश है। मामले में 3 अज्ञात और 1 अज्ञात के ऊपर वाराणसी के लंका थाने में 295, 153 ए और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सब्जी की दुकान पर टमाटर की सुरक्षा में 2 बाउंसर लगाए गए थे। इस समय टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं वो दिन भी दूर नहीं जब हो सकता है कि टमाटर की कीमत 200 रुपए किलो पहुंच जाए। वहीं अभी टमाटर बाजार में 160 रुपए किलो पर बिक रहा है। वाराणसी में तो एक दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे टमाटर की सुरक्षा में 2 बाउंसर तक लगा दिए। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान के बाहर 2 बाउंसर खड़े हैं। वहीं जब कोई ग्राहक दुकान पर पहुंचते हैं तो ये बाउंसर ग्राहकों को रोक देते हैं, साथ ही सख्त हिदायत देते हुए कहते हैं कि कोई भी टमाटर को ना छुए व उन्हें दूर से देखे।